नमस्कार दोस्तों, रेडी टैक्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से डिफरेंट से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह की सच्ची भूतिया घटना की सच्ची कहानी। एक ऐसी जगह है जिसे केवल उस शहर में नहीं, जिसे केवल इंडिया में ही नहीं, जिसे केवल पूरे एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे खौफनाक जगहों में से एक माना जाता है। कौन सी जगह है उसे आखिरी में डिस्क्लोज करेंगे, पहले उसकी हिस्ट्री, उसकी स्टोरी, उससे जुड़ी हुई बहुत ही ज़्यादा भूतिया कहानी को तो आप लोग जान ले। तो इस कहानी की शुरुआत हुई सन 1990 से। ये मौसम गर्मियों का था, मार्च अप्रैल का टाइम रहा होगा, और हरियाणा के एक छोटे से गांव से भागकर एक कपल मुंबई पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे से बचपन से प्यार करते थे, उम्र अभी दोनों की यही मतलब जस्ट शादी करने वाली उम्र हुई थी, लड़की यही कोई 18 साल कंप्लीट ही की थी और लड़का जस्ट अपने 21 साल कंप्लीट किया था। और वो दोनों को बहुत अच्छे से पता था कि हम दोनों के परिवार वाले हम दोनों की शादी के लिए नहीं मानेंगे, रीजन वो कास्ट सिस्टम वाला। इसलिए दोनों ने ये डिसाइड किए कि अब हम लोग अपने गांव को छोड़कर बाहर कोई बड़े शहर में भाग जाएंगे, वहां चले जाएंगे तो हमें हमारे घर वाले ढूंढ नहीं पाएंगे तो अलग नहीं कर पाएंगे। इस सोच के साथ उन लोगों ने अपने गाँव छोड़ दिया, किसी को कुछ नहीं बताया, और जितने थोड़े बहुत पैसों का इंतजाम दोनों के पास हुआ था वो अपने पास रखे थे और कुछ कपड़े रखे थे और निकल गए थे एक बड़े शहर के लिए। वो सीधे मुंबई पहुंच गए। अब मुंबई में पहुंचे तो उनको घर चाहिए था। दरअसल पहले क्या अभी भी मुंबई में ऐसा होता है कि जो लोग बाहर से आते हैं उन लोगों को ऐसे पैम्पलेट्स मिल जाते हैं कि घर चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, काम चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, और केवल मुंबई में ही नहीं बहुत सारे शहरों में ऐसा होता ही होगा। तो वो लोग भाई हाल फिलहाल में अभी जस्ट स्टेशन में उतरे थे, दादर स्टेशन में, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, कहाँ रहने के लिए हम लोग अपना बसेरा ढूंढे। स्टेशन से बाहर निकले ही थे कि अचानक से उन्हें एक पैम्पलेट दिखाई दिया, घर चाहते हैं सस्ते दाम में तो इस नंबर पे कॉल करें। वो लोग तुरंत पीसीओ ढूंढना शुरू कर देते हैं। उस टाइम पे ऐसा मोबाइल वोबाइल तो होता नहीं था, लैंडलाइन नंबर ही लिखा हुआ था। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक पीसीओ मिल जाता है, वहां से उस नंबर पे फोन लगाते हैं। उस नंबर को एक आदमी उठाता है जो कि शायद एक ब्रोकर था, वो एक पते पर इनको बुला लेता है। ये जहां पर पहुंचते हैं वो जगह कुछ क्वार्टर्स वाला एरिया लग रहा था, मतलब क्वार्टर बने हुए थे। वो आदमी उसका किराया बताते हुए बोलता है कि आप लोग यहाँ पर रह सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है अगर आप किसी और को तकलीफ नहीं देंगे तो। कम उम्र के दिखाई दे रहे हैं तो अपने काम से काम ही रखना, ज्यादा लोगों के पचड़े में मत पड़ना, ज्यादा लोगों की लाइफ में घुसोगे, उनसे बात करने की कोशिश करोगे तो आप ही समझ लेना भाई आपके साथ क्या होगा। जो कि बहुत सारे ब्रोकर लोगों को डराते हैं, आज भी करते हैं, गांव से लोग आते हैं तो आज भी करते हैं, नए लोगों को ब्रोकर लोग डराने की कोशिश करते हैं यहाँ पे भाई, हमेशा हर जगह होता हूँ मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ। यहाँ पे तो बहुत बार मैंने देखा हूँ हाँ। और जब मैं खुद नया नया आया था तो मैंने खुद फेस किया। हाँ, बोलते हैं कि भाई इधर मत जाना, उधर मत जाना, इधर बात मत करना, फोन पे बाहर निकल के बात मत करना, लोग ऐसे डराने की कोशिश करते हैं ब्रोकर लोग। तो इन लोगों भी डराने की कोशिश किए, लेकिन इन लोगों को कुछ तो समझ में आया था कि इस ब्रोकर में कुछ झूल है, ये सीधा सीधा बात नहीं कर रहा है, हमेशा डरा के हमें ऐसा दुबक के रहने के लिए क्यों बोल रहा है। लेकिन ये लोग पहले से ही मन में थोड़ा सा डरे हुए थे क्योंकि ये लोग अपने गांव से भागकर आए हुए थे, इन्हें डर था कि हम लोग ज़्यादा किसी चीज़ में घुसेंगे और हमारे घर वालों को पता चल गया तो हमारे घर वाले यहाँ पे ही पहुँच जाएंगे और फिर बस हमारे साथ क्या होगा। तो इन लोग उस दिए हुए घर में रहने लगे। ठीक है, यहाँ पे लड़के को कुछ दिन बाद जॉब भी मिल जाता है, आए हुए 15 दिन भी नहीं हुए थे इसको जॉब मिल गया था। अब इन लोगों ने सोचा कि लाइफ सेटल्ड है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मुंबई में लोगों को अगर टैलेंट है तो बहुत जल्दी काम मिल ही जाता है, आराम से। तो उसको मिल गया था, ये काम करने लगा। 15 दिन बीते, 16वें दिन की घटना है। ये लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते थे एक बिल्डिंग के, फर्स्ट फ्लोर में। सेकेंड फ्लोर से रात के तकरीबन 12:30 बजे के आसपास इन्हें कुछ आवाज आने लगी, धड़ाम धुड़ुम धुड़ुम ऐसा कुछ आवाज आने लगी। सोचे कि किसकी आवाज आ रही यार, इन लोगों ने इग्नोर किए। अब दूसरे दिन की बात है, फिर से ही उतने बजे धड़ाम धुड़ुम धुड़ुम और एक आदमी और एक औरत की लड़ने की आवाज़ सुनाई देने लगी। अब इसमें से जो अपना अनिल है वो निकलता है और ऊपर की तरफ जाता है, मतलब लड़के का नाम बताया कि नहीं हमने, लड़के का नाम अनिल और लड़की का नाम रानी था। तो अनिल अपने घर से निकलता है और सोचता है कि ऊपर जाके देखता तो हूँ कि कौन लड़ाई कर रहा है, कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा है, हमारी नींद खराब हो रही है। तो ऊपर जाता है सीढ़ियों के सहारे, देखता है कि ताला लगा हुआ है, जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस घर में तो ताला लगा हुआ है, आजू बाजू और भी घर थे सेकंड फ्लोर में, उन सब में ताला लगा हुआ था।
और ये जहां रहते थे ना फर्स्ट फ्लोर में, वहां पे भी सब जगह ताला लगा हुआ था। इस फर्स्ट फ्लोर में और सेकंड फ्लोर में इन लोगों के अलावा कोई रहता ही नहीं था। इसको ये बात थोड़ी सी अजीब लगी। सही बात है कि मतलब पूरे इस इतने बड़े जगह पे हम सिर्फ एक एक फैमिली वाले ही रहते हैं, हम दोनों ही सिर्फ रहते हैं। खैर देख दाख के सोचता है कि शायद कोई तो रहता होगा जो रात वात में लौटता होगा और आए होंगे, लड़ाई वड़ाई हुई होगी और फिर बाहर चले गए होंगे किसी काम से। खैर छोड़ो, मैं नीचे जाता हूँ और आराम से सोता हूँ। ये छोड़ छाड़ के नीचे अंदर एंटर करता है। जैसे ही अपने घर के अंदर एंटर करता है, इनके घर का दरवाजा नॉक होता है, धक 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 धक। ये हैरान कि अरे कौन आ गया। अब ये अपने कपड़े चेंज करने में लगा हुआ था कि इसकी जो पत्नी थी रानी, वो दरवाजे की तरफ जाती है और दरवाजा खोलती है। क्या बात है कि बाहर एक लड़की खड़ी हुई है, यही कोई 20-21 साल उम्र, 21 साल मैंने 20 साल की लड़की, 20 साल की लड़की जो कि हाथ में कटोरी ली हुई है। और जैसी दरवाजा खोलती है रानी, वो लड़की सर उठा के अपनी रानी से कहती है कि मुझे थोड़ी शक्कर मिलेगी। अब जैसे उस लड़की ने अपना सर उठाई थी तो रानी ने क्या पाई कि उस लड़की के चेहरे में बहुत सारे चोट के निशान हैं। तो रानी घबरा गई। रानी बोलती, अरे क्या हुआ आपको, किस बात की चोट लगी है, किसी से लड़ाई हुई है क्या। वो लड़की अचानक से रोने लगी और रोते रोते बोलती है कि मेरे पति ने मुझे बहुत मारा है, मुझे शक्कर दे दो, मुझे चाय बनानी है, शक्कर खत्म हो गई थी तो मेरे ऊपर आज इतना हाथ उठाया है, प्लीज आप जल्दी दे दो, ज्यादा सवाल मत करो। रानी घबरा गई, भागते भागते शक्कर लेने गई, शक्कर दी से कटोरी में और वो लड़की लौट गई। रानी सोचने लगी कि ऐसा कमीना पति है इस बिचारी का, कितना मारा है इसको। बस उसके बाद वो लौट जाती है और अपने पति से थोड़ा बात करती है और ये वाला दिन कट जाता है। फिर दूसरे दिन की रात आती है। दूसरे दिन की रात को फिर से ऊपर से धार धूमधाम लड़ाई की आवाज। फिर ये बोलते कि यार ओवर हो रहा है। फिर अनिल अपने घर से सोचता है कि अब मैं जाऊंगा, कुछ बोलूंगा, ऐसा बोल के दरवाजे तक पहुंचता ही है ऊपर जाने के लिए, इनके घर का दरवाजा नॉक होता है, धक 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 धक। फटाक से दरवाजा खोला तो आज फिर से वही लड़की खड़ी हुई थी। आज चेहरे पर ज्यादा चोट के निशान थे और आज लड़की के हाथ में एक बॉटल थी। लड़की अनिल के तरफ बॉटल बढ़ाते हुए कहती है कि मुझे थोड़ा तेल मिल जाएगा, मेरे पति ने मुझे आज बहुत ज्यादा मारा है, घर पे सब्जी बनानी थी, तेल खत्म हो गया था तो काम से आया और लगातार मारना शुरू कर दिया। और ऐसा बोल के रोने लगी तो अनिल को दया आई। अनिल ने बोला, आप रुकिए बहन जी, रोइए मत, मैं देता हूँ आपको तेल, देता हूँ। ये अंदर गया, तेल निकाल के उसको दिया, वो ऊपर चली गई। ये दोनों सोचने लगी कि ऐसा क्यों, कंप्लेंट कंप्लेंट करे क्या सोसाइटी में, कौन है भाई इतना क्यों मार रहा है अपनी पत्नी को, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा। लेकिन ये लोग भी अपने आप में, क्या बताया मैंने आप लोगों को शुरू से, थोड़े से डरे हुए थे क्योंकि ये लोग भी कहीं गांव से भाग के आए थे और ब्रोकर ने भी थोड़ा डरा ही दिया था। तो इन लोगों ने डायरेक्ट सोसाइटी के पास अगले दिन भी नहीं गए। अब भाई तीसरे दिन की रात, तीसरे दिन की रात को फिर से ये लोग अपने काम में लगे हुए थे, सोने गए थे कि सेम टाइम पे फिर से लड़ाई शुरू। बोला यार ये तो ओवर हो रहा है यार। इसने सोचा कि अब अगर ज्यादा हो रहा होगा तो मैं उसको जाके मारूंगा। इसने एक डंडा उठाया, बहुत जोर जोर से लड़ाई आ रही थी तो बचाने के लिए, मतलब आदमी को मारूंगा ये सोच के कि उसकी पत्नी की जान बच जाए, ये सोच के उसने डंडा उठाया ही है और अपने घर के बाहर निकल ही रहा था कि फिर से इनका दौर जो था दरवाजा, धड़ धड़ धड़, इस बार बहुत जोर से बचा। ये घबरा गया और तुरंत दरवाजा खोला तो क्या पाया पता है कि बाहर एक लड़की, उसके कपड़े पूरे जल रहे हैं लिटरली, वो जोर जोर से चिल्ला रही है। और जैसे उसने दरवाजा खोला, वो लड़की भागना शुरू कर दी, नीचे उतरना शुरू कर दी, फर्स्ट फ्लोर था, नीचे उतरना शुरू कर दी। तो इसने तुरंत अपनी पत्नी का नाम चिल्लाया, रानी जल्दी आ, ऊपर वाली लड़की ने अपने आप को लगा लिए फायर। ये लोग बाहर निकले और उस लड़की के पीछे भागने लगे, भागने लगे। अब बाहर भी कोई वॉचमैन वगैरह था नहीं इनकी सोसाइटी में उस टाइम, और कोई हलचल नहीं थी, रात का काफी ज्यादा वक्त हो चुका था, यही कोई 1-1.5 बजे के आसपास की बात है। अब ये लोग उसके पीछे पीछे भागने लगे। वो लड़की भागते भागते सामने एक पीपल का पेड़ था, उस पीपल के पेड़ के नीचे एक हनुमान मंदिर भी था। वो लड़की भाग के हनुमान मंदिर की तरफ जाने लगी। अब इन लोगों को ऐसा लगा कि अरे मंदिर में क्या जा रही है, वहां पे कोई भी नहीं है जो तेरी जान बचाएगा। लेकिन वो लड़की भागते 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 वो पीपल के पेड़ के पीछे चली गई। ये लोग भी भागते 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 पीपल के पेड़ के पीछे जाते तो क्या पाते हैं कि पीछे तो कोई है ही नहीं। वो लड़की भागते भागते आई थी लेकिन पीपल के पेड़ के अंधेरे में वो ना जाने कहाँ खो गई थी। ये लोग बहुत जोर से घबरा गए। इन लोगों ने बोले कैसे भी करके पुलिस को कॉन्टेक्ट करना है। ये भागते भागते लिटरली, इन लोगों को मालूम था कि इनके घर से अप्रॉक्स 400 मीटर की दूरी पर एक PCO है, वो PCO तक भागते 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 गए और एक पुलिस को फ़ोन लगाए पास वाली थाने में।
बोले जल्दी आ जाइए सर, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ऊपर वाली एक लड़की ने ऐसा ऐसा कर ली है और वो पीपल के पेड़ की तरफ भाग गई है, आप आइए कैसे भी बचाइए, मामले को देखिए। तो पुलिस ने मामले को सीरियस लिया और विद इन 5 to 7 minutes पुलिस वाले पहुँच गए। पुलिस वाले पहुंचे तो उतनी देर में इन लोगों ने चिल्ला चिल्ला के सारी सोसाइटी वालों को भी इकट्ठा कर लिए थे, आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिए थे और लोग पूछ रहे थे कि कौन लड़की है, कहाँ रहती है, कैसी दिखती थी, ये किसी को कुछ बता नहीं रहे थे। ये डर रहे थे कि अरे यार इस लड़की का कोई दुश्मन तो यहाँ पे नहीं होगा, हमने पुलिस को बुला लिए हैं तो ये हमको मार वार तो नहीं देगा भैया, पुलिस के आने से पहले इससे अच्छा कुछ बोलते ही नहीं है, या उसके पति को पता चला था वो भी मेरे ऊपर अटैक कर सकता, अपनी पत्नी को इतना रोज मार सकता है तो हमको क्या कर सकता, मतलब कैसा होगा वो। तो वो लोग इंतजार कर रहे थे पुलिस आने। अब जैसे ही पुलिस आई, पुलिस को बताना शुरू किया पूरा मामला। अब पुलिस बोलती है कि ठीक है भाई तुम रहते कहाँ, इशारा करते हुए दिखाता है कि ये यहाँ पर रहते हैं हम लोग फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं और वो लड़की सेकंड फ्लोर में रहती थी। जैसे ये बात पुलिस वाले सुनते हैं, पुलिस वालों के पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि जहां पर वो रहते थे उस जगह का नाम था पवन हंस क्वार्टर्स। पवन हंस क्वार्टर्स में ये लोग रह रहे थे उसके फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में तो कोई रहता ही नहीं था। और नहीं रहने का कारण ये था कि वो पूरा का पूरा फ्लोर ही भूतिया था, हॉन्टेड था। पुलिस वाले घबराते हैं, इसको समझाते हुए कहते हैं कि भाई पवन हंस क्वार्टर के सेकंड फ्लोर की बात कर रहे हो ना, इसी वाली बिल्डिंग के, इसी बिल्डिंग के। बोलते हैं हाँ सर हम यही रहते हैं और ऊपर की बात है। बोलते हैं कि देखो जितनी जल्दी हो सके ये एरिया छोड़कर चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। ये बोलते हैं कि सर क्या प्रॉब्लम है, हुआ क्या। मनी मन सोचता है कि वो औरत का आदमी इतना ज़्यादा ताकतवर है क्या, पुलिस वाले भी ऐसा बोल रहे हैं भाई। लेकिन नहीं, पुलिस वालों ने ज़्यादा कुछ बोले नहीं। पुलिस वालों ने बोले कि सोसाइटी वाले तुम्हें समझा देंगे, अभी हम निकलते हैं, हमारा काम यहाँ पर नहीं है। ऐसा बोल के पुलिस वाले अपनी गाड़ी में बैठे, 3 पुलिस वाले थे, बैठे और निकल गए। अब ये लोग टेंशन में, अरे ऐसा क्या हुआ, अभी तक इनको पता नहीं था पूरा माजरा क्या है, भूतिया है क्या है, इनको कुछ मालूम नहीं था। पुलिस वालों ने इतना बोले थे कि निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, उसी में तुम्हारी भलाई है, यहाँ पे मत रहो। अब ये लोग ये बात सुनकर सामने खड़े हुए एक वृद्ध कपल के पास जाते हैं। ये वृद्ध कपल से इनकी हाय हेलो वाली पहचान हो गई थी, जो कि इसी सोसाइटी के बिल्कुल बाजू में, नजदीक में ही रहते थे, बाजू वाली सोसाइटी में रहते थे। उनसे जाके पूछते हैं कि पुलिस वाले ने हमको ऐसा क्यों बोला। वृद्ध कपल बताते हैं बेटा तुम्हें पता नहीं है, तुम जहाँ रहते हो उस फर्स्ट फ्लोर के ऊपर वाला फ्लोर पूरी तरीके से हॉन्टेड है। लोग बोलते हैं कैसे, वो लोग बताते हैं कि आज से ठीक 1 साल पहले की घटना है, यहाँ पर एक पति पत्नी रहा करते थे, पति पत्नी के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ करता था, इनके झगड़े में कोई पढ़ना नहीं चाहता था। फिर एक दिन की बात है, रात का टाइम रहा होगा, 12:30 बज रहे होंगे, वो लड़की अपने घर से भागते हुए निकली, लेकिन साधारण नहीं, पूरी बॉडी में फायर था, चिल्ला रही थी, लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन शायद जितने भी लोग उसे देख रहे थे कमज़ोर दिल के थे, कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। चिल्लाते 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 वो सामने 100 साल पुराना पीपल का पेड़ है, उसके पास गई, सोची कि पेड़ में अपनी बॉडी रगड़ूंगी कुछ करूंगी, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते उसने अपनी जान गंवा दी थी, कोई भी नहीं बचा पाया था। उस दिन के बाद से बहुत सारे लोग रात के वक्त जब यहाँ कहीं से गुजरते थे उन्हें वही लड़की की आत्मा उसी कंडीशन में दिखाई देती थी जिस कंडीशन में उसकी मृत्यु हुई थी, कि वो लड़की भाग रही है, बॉडी में फायर है इस तरीके से। अब बहुत सारे लोग घबराने लगे, कतराने लगे, सोसाइटी के लोग भी रात में निकलना बंद कर दिए। फिर यहीं पर पास में एक डिसूजा जी रहते हैं, उन्होंने हनुमान मंदिर का निर्माण कराया, तो तुम्हें पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा हनुमान मंदिर दिख रहा होगा ना, वो उन्होंने ही बनवाया था। उनका ये मानना था, उन्होंने ये सुने भी थे कि बजरंग बली के मंदिर का निर्माण करवा दो तो इस तरह की आत्माएं दूर रहती है। बजरंग बली से एक्चुअली इस तरह की आत्माएं बहुत ज्यादा डरती हैं, कांपती हैं, उनके नाम से ही कांपती है, तो मंदिर बन गया है तो फिर तो वो कुछ किसी का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। तो मिस्टर डिसूजा ने जब से उस मंदिर का निर्माण कराया तब से उस शायद आत्मा ने किसी का भी नुकसान नहीं पहुंचाया, इन केवल लोगों को दिखाई देती है, अभी भी किसी को हार्म नहीं करती। लोग इतना ज्यादा घबराने लगे कि उस पूरे फ्लोर को खाली कर दिए, तुम्हारे फर्स्ट फ्लोर को भी खाली कर दिए, तुम लोग रहने आए शायद तुम लोग नए थे, तुमको कम बजट में मिल गया था, और हम लोग ने भी तुमको इसलिए नहीं बताया कि सोचे आप चलो नए बच्चे लोग हैं, कहाँ से इतने पैसे कमाएंगे कि मुंबई जैसी महंगी जगह को अफोर्ड कर पाएंगे, तो रहने दो। वैसे भी वो आत्मा किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाती है, आज तक नहीं पहुंचाई, शायद सिर्फ लोगों को दिखाई ही देती है। और पुलिस वाले भी मानते, मतलब सोचो कि कितनी बड़ी
बड़ी बात है वो, सब मानते हैं। स्टार्टिंग में बोला पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। हाँ, शायद उस जगह पे अभी के टाइम पे कोई नहीं रहता होगा क्योंकि वो पूरी तरह से बहुत गंदी तरह से हॉन्टेड जगह, वो भी छोड़ दिए। हाँ। अनिल और रानी ने भी उस घर को विद इन अ वीक छोड़ दिए और एक दूसरी जगह पर जाके, मतलब सेंटा क्रूज में एक जगह थी वहां पर जाके अपनी खुशहाल भरी जिंदगी बिताने लगे। आज वो मुंबई में पूरी तरीके से सेटल्ड हैं और ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी हमें किसी और ने नहीं बल्कि अनिल के बेटे ने ही इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा है। तो सोचिए मतलब किस तरह की घटना थी यार, कि कैसे एक्सपीरियंस रहा होगा उन लोगों का। बहुत गंदा, बहुत गंदा। एक तो बेचारे अपने गांव से भाग के आए थे अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने के लिए और इतना बड़ा कुछ फेस कर लिया। मतलब सोचो किसी के साथ भी कुछ ऐसा हो, कोई ऐसा फेस करे तो सोचो कितनी बड़ी बात है। दो तीन दिन से उस लड़के से मिल रहे थे वो लोग और अचानक उनको पता चलता है कि एक्चुअली वो लड़की लड़की थी ही नहीं, आत्मा थी। क्या सोचो। खैर दोस्तों, हमें यकीन है कि आज के इस वीडियो के जरिए आप सभी लोगों को एक बहुत ही खौफनाक जानकारी के साथ साथ मनोरंजन भी मिला होगा। तब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।